तुम्हें खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सच्ची घटना पर आधारित थी प्रीति जिंटा स्टारर ये फिल्म। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म को लेकर ये क्या कह दिया था अब्बास वर्मा वाला ने, फिल्म के लिए क्या करना पड़ा था बॉबी देओल को। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं 23 साल पहले रिलीज हुई बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म सोल्जर की। निर्देशकों की मशहूर जोड़ी अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण रमेश तौरानी ने अपने बैनर टिप्स म्यूजिक फिल्म्स के तहत किया था। फिल्म में उस समय ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, साथ ही ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। आइए आज हम आपको फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिल्म की कहानी एक असली घटना पर आधारित थी? जी हाँ, मेकर्स ने खुलासा किया था कि पंजाब में एक औरत के माथे पर यह लिख दिया गया था कि मेरा पति गद्दार है। उसका पति जो कि एक सोल्जर था, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। उस औरत को भी गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय बहुत फिल्में रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित नहीं होती थी, जिस बारे में बात करते हुए निर्देशक अब्बास ने कहा था कि शायद ये इकलौती ही फिल्म थी जो सच्ची घटना पर आधारित थी। मेकर्स को यही से आइडिया आया और उन्होंने उसके आस पास जोड़कर एक स्क्रिप्ट तैयार की। ये फिल्म उन फिल्मों में से एक थी जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई, जबकि बहुत फिल्में वहां शूट नहीं होती थी। अब्बास ने तो ये तक कहा था कि ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने फिल्म के बाद ही कई जगहों को प्रमोट करने का शुरू किया। एक्टर सुरेश ओबेरॉय ने अपने विलेन वाले रोल के लिए एकदम हटकर लुक अपनाया था। इसके लिए उन्होंने अपने मशहूर मूछें मुड़वा दी थी और वे ब्लैक एंड व्हाइट विग में नजर आए। बॉबी देओल के चाचा और एक्टर अभय देओल के पिता अजित सिंह देओल फिल्म में ठाकुर दलेर सिंह के किरदार में थे। फिल्म में जॉनी लिवर का डबल रोल था, जो कि 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम में इस जौहर के रोल से मेल खाता है। फिल्म में विलन के रोल के लिए अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर का नाम भी सामने आया था, पर खबर थी कि उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक्टर बॉबी देओल के बाल नेचुरली कर्ली हैं, जिन्हें फिल्म के लिए उन्हें स्ट्रेट किया था। एक बहुत ही मजेदार बात हुई फिल्म के साथ। दरअसल हॉलीवुड में इसी नाम की एक फिल्म बन रही थी, जो इसी साल फिल्म के रिलीज के ठीक दो हफ्तों बाद रिलीज हुई। फिल्म में अपने काम के लिए बॉबी देओल और प्रीति जिंटा दोनों को ही खूब तारीफें भी मिली। ये तो थी 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म के बारे में खास बातें। अब आपको बता दें कि अगर आप भी हमारी ही तरह फिल्म और इनके स्टार्स के फैन हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर है। जी हाँ, इस सुपरहिट फिल्म का एक रीमेक बन रहा है। रीमेक में कौन होगा, क्या पुरानी कास्ट भी एक बार फिल्म में दिखेंगी, ये सब हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अब्बास मस्तान की मशहूर जोड़ी ही करेगी। बाकी तमाम जानकारी के लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा और हमारी वीडियोस का इंतजार करना होगा। इस वीडियो और इसमें बताई गई जानकारी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।